हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर यू फाइन। आज मैं आप लोगों से कुछ स्किन टाइप रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो मैं बेसिकली अपने फेस में यूज़ करती हूँ, और मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है आपके स्किन के लिए। हाइड्रेट कर रखता है उसे, और ठंडी के टाइम पे ये बहुत मॉइस्चराइज रखता है आपके फेस को। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। मैंने कुछ हल्दी ली है, ये हल्दी किचन वाली हल्दी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट यूज दैट। मैंने यूज़ किया नॉमिनी के वाइल्ड टर्मरिक, ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नॉर्मली ये हल्दी, यू कैन सी तवे का फ्लेम बहुत लो है। यू कैन सी ये हमारी हल्दी ब्लैक हो चुकी है, हमें ऐसा ही चाहिए था, हमें हम इसे यूज़ करके बताएंगे। प्लीज़ आप किचन वाली हल्दी यूज़ मत कीजिएगा, 50 ग्राम्स का है, तो मैंने तो इसे 3 बार यूज़ कर लिया है अब तक, और इतना इतना ज़्यादा फेस के लिए नहीं लगता है, आपको बहुत थोड़ा सा क्वान्टिटी लगेगा। तो हम ये हल्दी यूज़ करके आपको बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा होता है। ओके, ये रहा हमारा हल्दी जो हमने अभी प्रिपेयर किया था, अब हम इसे अप्लाई करके बताएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हनी। चलिए इसे अप्लाई करके बताते हैं। सी, इसका पेस्ट अभी ऐसा हो गया है, हम इसे अप्लाई करेंगे। हल्दी में बहुत सारी बेनिफिट्स होती है, दिस इज ऑल्सो रिवाइविंग स्किन। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी कंटेंट्स होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आपके फेस को बहुत ग्लो करती है, नेचुरल ग्लो, और प्लस बहुत सॉफ्ट और स्मूदी मॉइस्चराइजिंग। मैं अक्सर ठंडी के टाइम पे ये यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसको लगाने के बाद आपको अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा फॉर मसाज, 15 मिनट एटलीस्ट। सी, अभी मैंने अपना फेस सिर्फ वाटर से वॉश किया है, एंड इट्स फील सो सॉफ्ट। मैं आपको कोई फोटो एडिट करके नहीं दिखाने वाली हूँ, जो नेचुरल व्हाट आई फील आफ्टर यूजिंग दिस, मैं वही चीजें सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी। रिक्वेस्ट यू प्लीज ट्राई कीजिए, बाकी आप ट्राई करके देखो आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका इफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।